जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। मोदी सरकार दे रही है दोस्तों सभी आधार कार्ड वालों के खाते में 1,20,000 रुपए। दोस्तों अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो आपके बैंक खाते में आएंगे पूरे 1,20,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मोदी सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है जिसके अंतर्गत तो मोदी सरकार सभी आधार कार्ड वालों के खाते में डाल रही है 1,20,000 रुपए। दोस्तों अभी अभी मोदी सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है दोस्तों, जिसके अंतर्गत जिन लोगों के पास भी आधार कार्ड है उन्हें मोदी सरकार देने जा रही है 1,20,000 रुपए। दोस्तों ये सभी 29 राज्यों में लागू कर दिया गया है जिसमें सारे के सारे राज्य आते हैं। दोस्तों किस तरीके से आपको मिलेगा आपके बैंक खाते में 1,20,000 रुपए, आपको क्या करना होगा, आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा जिससे आपको मिलेगा 1,20,000 रुपए आपके बैंक खाते में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। और मोदी सरकार हर वर्ग के लोगों को लुभाना चाहती है, इसलिए मोदी सरकार ने अभी अभी बहुत बड़ी घोषणा की है जिसमें मोदी सरकार देने जा रही है हर इंसान के खाते में 1,20,000 रुपए। आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं और आप भी पा सकते हैं 1,20,000 रुपए अपने खाते में। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों इस बड़ी खबर में मोदी सरकार की इतनी बड़ी घोषणा को सुनने के बाद हर इंसान दोस्तों फूले नहीं समा रहा है, वो बहुत खुश हो गया है। दोस्तों हर वर्ग का इंसान खुश है क्योंकि लोगों के खाते में अभी से 1,20,000 रुपए आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों बहुत सारे पेपर में ये बताया जा रहा है, अभी अभी की बहुत बड़ी न्यूज है जिसमें हर इंसान के खाते में 1,20,000 रुपए आ रहे हैं। दोस्तों तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे आपके खाते में भी आ सकते हैं 1,20,000 रुपए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ जिनके पास आधार कार्ड है, क्योंकि उनके भी खाते में आ सकते हैं 1,20,000 रुपए। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के लिए दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए पाने के लिए आपको आवेदन करना होगा ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए। तो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट को ऑन कर लीजिए। इंटरनेट को ऑन करने के बाद आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको गूगल में जाके टाइप करना है PMAY। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। PMAY टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, PMAY ग्रामीण और PMAY अर्बन। दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको अर्बन ओपन करना है पहली वाली लिंक को, और अगर आप दोस्तों किसी गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं यहां पे इसे ओपन कर लेता हूं ग्रामीण वाले को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है हाई लेवल फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है PMAYG क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस, ये पहले वाले ऑप्शन में टिक करना है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपके आके आपको 2019 और 2020 को सेलेक्ट कर लेना है। 2019-2020 को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करना है और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सेलेक्ट कर लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट में जाना है और आपको जोन से भी आप स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे 29 स्टेट अवेलेबल हैं, आपको कोई से भी राज्य को सेलेक्ट करना है, आप जिस भी राज्य में रहते हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना राज्य को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे फिर से आपको आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने शहर को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। उसके बाद आप दोस्तों जिस भी ब्लॉक में रहते हैं आपको उस ब्लॉक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने एक ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे नीचे एक और आना है। उसके बाद आपको अपने इलाके को सेलेक्ट करना है, आप जिस भी इलाके में रहते हैं यहाँ पे सारे के सारे इलाके मौजूद हैं, आपको उस इलाके को सेलेक्ट कर लेना है। इलाकों को सेलेक्ट करने के
बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सारा काम हो जाता है। उसके बाद जो आपको नीचे सबमिट की बटन दिख रही है, आपको सिंपली उस बटन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे सबमिट की बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट की बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, एक ऐसी लिस्ट नीचे ओपन हो जाएगी। दोस्तों सबमिट की बटन में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस लिस्ट को देख पा रहे होंगे। इसमें आपका नाम, आपके बेनिफिशियरी और आपके पिताजी का नाम सब आ जाएगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको निश्चित तौर पर 1,20,000 रुपए मिलेंगे दोस्तों। ये अभी अभी मोदी की जो नई योजना है उसके अंतर्गत आपको 1,20,000 रुपए निश्चित तौर पर मिलेंगे अगर आपका इस लिस्ट में नाम है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको अपने माता जी का नाम और आपको कितना अमाउंट मिलना है दोस्तों, यहाँ 1,20,000 रुपए लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपको मिलने के बाद इसको आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये है दोस्तों तो आपके बैंक अकाउंट में पक्का 1,20,000 रुपए आएगा दोस्तों। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बता दोस्तों कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं, हम इसमें देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको और भी जिसके भी नाम है आपके घर में सबका चेक करके देखेंगे दोस्तों। इस ऑनलाइन आवेदन के जरिए आपको इस नई योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपए जरूर मिलेंगे दोस्तों, अगर आपका इंग्लिश में नाम है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में। मोदी की